हम गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हमारा आधा किलो मावा है, 50 ग्राम पनीर है जो, और ये 3 स्पून मैदा है, और ये इसमें से हम 1 पिंच लेंगे मीठा सोडा। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं बनाने गुलाब जामुन। तो ये आधा किलो जैसे हमने ये लिया है मावा, तो इसको हमें अच्छे से मैश करना है। मैश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मावा हमने ऐसे मैश करते करते इतना सॉफ्ट बना लिया है, ये बहुत ही स्मूथली हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब इसको हम करेंगे साइड एक साइड, और अब हम लेंगे पनीर, तो इसको भी इसी तरह से मैश करना है, और मैश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि सब लोग मावा के अंदर पनीर डालते नहीं है, लेकिन मैं अक्सर बनाती हूँ तो मैं डालती हूँ। इससे क्या होता है कि एक सॉफ्टनेस आ जाती है और इसका स्वाद भी दोगुना हो जाता है। तो इसको अच्छे से अब दोनों को मैश कर लेते हैं, पनीर और मावे को। ये अब हमें इसके अंदर मैदा डालना है, इसको भी मैश करना है, और ये थोड़ा सा 1/2 इंच मीठा सोडा डालना है सिर्फ, और इसको अच्छे से मैश कर लें। मैश करने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो जब तक हम इसको मैश करेंगे तब तक हम एक चाशनी के इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए हमें क्या करना है, एक जॉन बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चीनी की चाशनी। तो ये हम थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, बीच बीच में इस चाशनी को चला के भी देखते रहो। इसमें 2 छोटी इलायची डाल दो। आपको जितना पसंद है आप उतना फ्लेवर इसको डाल सकते हो, कोट करके। अब इसमें इलायची डाल के इस छिलके हटा के इसमें डालो चीनी के अंदर। इसके अंदर डाल इलायची, इलायची का फ्लेवर सभी को पसंद है। अब हमें इसके अंदर के लिए स्टफिंग चाहिए, तो ये 1 मुट्ठी बादाम है, आप जितना मर्जी ले सकते हो, और ये थोड़ी सी किशमिश है, क्योंकि मेरे बच्चों को किशमिश थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैं डाल लेती हूँ कभी किसी में किशमिश और किसी के अंदर बादाम। तो क्या करते हैं हम बादाम को थोड़ा सा कट कर लेते हैं ऐसे, 2-2 पीस कर लेते हैं। आप ये इसमें साबुत भी डाल सकते हो या थोड़ा सा कट करके भी डाल सकते हो, जो मुंह में थोड़ा कम आए। तो अभी हमें इसके गोल गोल पेड़े बनाने हैं, आप जैसा मर्जी लंबा भी बना सकते हो, गोल भी बना सकते हो, और छोटे बड़े आप अपने हिसाब से इसका साइज बना के रख लो। उसके बाद में हमने फिर फ्राई करके देखा तो अच्छा हुआ, अच्छा बना। और अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर बादाम और ये किशमिश भर के और फिर से बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है, चाशनी तैयार हुई है नहीं हुई है उसके लिए क्या करना है हमें, ये थोड़ा सा ऐसे लेके और ऐसे देखना है, ये तार भी नहीं, थोड़ा चिपचिपा सा ऐसे। ये हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है और हम गैस बंद कर देते हैं, और ये इसके पेड़े बना के रख लेते हैं। इसके अंदर से इसके अंदर हम ये काजू सॉरी बादाम और ये किशमिश कर रहे हैं, और अब ये मैं सारे तैयार करके रख देती हूँ। पेड़े बन के तैयार हो गए हैं, और एक करके हम इसमें करने के लिए डाल रहे हैं, थोड़ा सा भी लाना नहीं है,
घी थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालना है, अच्छी से इसको टच नहीं करना है, वरना क्या होता है कि फूट जाते हैं। अब थोड़ा टाइम बाद इनको थोड़ा सा पलट पलट कर दो, बहुत हल्के आंच से, ये देखो कलर चेंज हो गया, काफी अच्छा कलर आ चुका है इनका। और अब हम इनको निकाल लेते हैं, चाशनी के अंदर डाल देते हैं, और बाकी के जो रह गए अब धीरे धीरे उनको भी तल लेते हैं, ठीक है। अब हमारे सारे सिक्के तैयार हो चुके हैं और हमने सारे चाशनी में डाल दिए हैं, और अब इनको देखो अच्छे से डिप कर दो, और इनको अब 7 से 8 घंटे के लिए डिप रहने दो, या तो फिर ओवरनाइट डिप रहने दो। ये अब आप बनाइए खाइए। देखिए ये गुलाब जामुन इज रेडी, ये देखिए, और ये देखिए ये इतने स्मूथली कट रहे हैं, और खाएं और बताएं खा के कि कैसे बने हैं। थैंक यू।